सरकार पैसा दे रही है, नगर निगम पैसा कंपनी को उपलब्ध करा रही है, तो सफाई व्यवस्था क्यों नहीं होती है? अधिकारियों की मिली भगत से प्रत्येक माह, तब वर्ष नहीं माह, 50 लाख रुपए का बंदरबांट होता है और जनता से उगाही कर करके लोग अपनी जेबें भर रहे हैं और जनता को कोई सेवा प्रोवाइड नहीं की जा रही है, लोग परेशान हैं। आज नगर निगम में जो सभी वार्डों में सफाई व्यवस्था पूरी तरह से चौपट है और हर जगह से शिकायत आ रही है, इनके काम में कोई पारदर्शिता नहीं है। 3-3 ठेले एक एक वार्ड के लिए होना चाहिए था। आज नगर निगम में जो सभी वार्डों में सफाई व्यवस्था पूरी तरह से चौपट है उसमें हम लोगों ने आपको बुला करके बताने का प्रयास कर रहा हूँ। आज नगर निगम में प्रत्येक वार्ड में जो सफाई कर्मियों का मानक है वो पूरा नहीं किया जा रहा है। लोगों के घरों तक गलियों में सफाई के लिए महीनों महीना कर्मचारी नहीं पहुंचते हैं। नगर निगम की सफाई व्यवस्था को सुदृढ़ और साफ सुथरा बनाने के लिए नगर निगम ने एक निविदा निकाली थी जिसमें 3 फर्मों ने टेंडर डाला था। आज वर्तमान में जो फर्म काम कर रही है AB इंटरप्राइजेज, ये 2 और जो टेंडर फर्म ने टेंडर डाली थी उनसे इनका दर भी ज़्यादा था, लेकिन तभी मानक को दरकिनार करके बगैर बोर्ड का अनुमोदन लिए, उस समय बोर्ड में मैं भी सदस्य था, बोर्ड का अनुमोदन किए बगैर और महापौर जी की अनुमति के बगैर अधिकारियों ने मिली भगत करके AB इंटरप्राइजेज को काम दे दिया। तब से लगातार ये कंपनी काम कर रही है और हर जगह से शिकायत आ रही है, इनके काम में कोई पारदर्शिता नहीं है। 3-3 ठेले एक एक वार्ड के लिए होना चाहिए था, वहाँ पर एक भी ठेले नहीं पहुँचते, महीनों महीना ठेला नहीं जाता गलियों में। आप जाकर के इसकी स्थलीय सत्यापन खुद करा सकते हैं। और सफाई व्यवस्था पूरी तरह से चौपट है। मेरे घर के पास, मैं 2 बार सभासद एक बार पार्षद रहा हूँ, मेरे घर के पास महीनों महीना कर्मचारी नहीं जाते हैं, बहुत शिकायत करने के बाद कर्मचारी जाते हैं। मेरा कहना यह है, जब सरकार पैसा दे रही है, नगर निगम पैसा कंपनी को उपलब्ध करा रही है, तो सफाई व्यवस्था क्यों नहीं होती है? मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि इसमें अधिकारियों की मिली भगत से प्रत्येक माह, तब वर्ष नहीं माह, 50 लाख रुपए का बंदरबांट होता है और जनता से उगाही कर करके लोग अपनी जेबें भर रहे हैं और जनता को कोई सेवा प्रोवाइड नहीं की जा रही है, लोग परेशान हैं। ये शासन की नीति है, ये शासन की नीति के तहत लिया जा रहा है, लेकिन जो उसमें मानक है कि प्रत्येक घर से कूड़ा लिया जाएगा, सुबह ठेले वाला पहुँचेगा, सीटी बजाएगा, लोग अपने घर का गीला कूड़ा और सूखा कूड़ा अलग अलग डिब्बे में डालेंगे और वो कूड़ा वो कलेक्ट करके कूड़े की गाड़ी में लाद करके उसको कूड़ा अड्डा तक ले जाएंगे और उसका वो जैसे भी प्रबंधन करना होगा करेंगे। लेकिन इस तरह की व्यवस्था कहीं नहीं हो रही है। पैसा तो वसूला जा रहा है, लेकिन मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि 6-6 महीना ठेला गलियों में नहीं जाता है। आप चाहें तो इसका स्थलीय परीक्षण करके लोगों से पूछ करके इसकी सत्यता को परख सकते हैं। जनता से पैसा वसूला जा रहा है लेकिन सेवा उपलब्ध नहीं कराई। शिकायत नगर निगम में की गई है, आप लोगों के माध्यम से भी शिकायतें इस समय नगर निगम में बहुत तेजी से चल रही हैं। हमें तो इस बात का दुख है कि मतलब शिकायत करने के बाद में काम नहीं होता, इसलिए आज हम आपके माध्यम से अपनी बात को नगर निगम तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। हमें इस तरह की शिकायतों को लेकर के माननीय पार्षदगण भी माननीय महापौर जी से कई बार कह चुके हैं, लेकिन माननीय महापौर जी को जनता की सेवा से, जनता की सुख सुविधाओं से मतलब नहीं है। वो तो शिकायत के बचाव में आकर के प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं कि ऐसा कुछ भी नहीं है, नगर निगम हमारा पूरी तरह से बहुत पारदर्शी और साफ़ सुथरा है, जबकि सारा भ्रष्टाचार वहाँ व्याप्त है। हमारे मोहल्ले में अभी 2 टेंडर हुए हैं पार्षद निधि से, आप जा करके उसकी स्थलीय निरीक्षण कर लीजिए, कोई काम नहीं हुआ है। मैंने चीफ को, निर्माण के चीफ को और JE को अवगत कराया, आज तक कोई मौके पर जांच करने के लिए नहीं गया और कोई काम नहीं हुआ है। एक भी क्रॉसिंग नहीं बनी है, जो भी क्रॉसिंग 1-1.5 साल पहले टूटी थी आज भी वैसे टूटी हुई है, लोग गिर रहे हैं, चाहे उनका हाथ पैर टूट जाए, चाहे कुछ भी हो जाए, उनसे कोई उसका वास्ता नहीं है। सब्सक्राइब करें आपका अपना चैनल न्यूज टाइम नीश और हर खबर सबसे पहले पाने के लिए बेल आइकॉन जरूर दबाएं। और हाँ, खबरें पसंद आ जाएं तो लाइक और शेयर करना ना भूलें।